सर ये सिस्टर मोना है जो जीरकपुर से आती हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ये इनकी शादी को 1 साल हो गया है। जब से इनकी शादी हुई है इनको दुष्ट आत्मा की समस्या थी और 1 साल से ये खाना भी नहीं खाती थी ढंग से। एक साल से उसके बाद ये काफ़ी चर्चेस में गई, काफ़ी चर्चेस इसने अटेंड करी, लेकिन वहाँ पे भी इसको उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला और इसकी समस्या समाप्त नहीं हुई। उसके बाद इसकी एक फ्रेंड है जो हमारी टीम की एक मेंबर है, सना ने इसको हमारे चर्च के बारे में बताया, आपके बारे में बताया। उसके बाद ये हमारी चर्च में आई। चर्च में आने के बाद हमारी टीम ने इनके लिए रेगुलर प्रेयर करी और आपने भी इनके ऊपर हाथ रखकर दुआ करी। उस दुआ करने के बाद से इनकी दुष्ट आत्मा की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई। Oh, praise the Lord! कितने समय से आपको ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी? 1 साल से पोस्टर जी, जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे को समस्या थी। तो मैं खाना भी नहीं खाती थी, मतलब एक पूरे दिन में मैंने एक रोटी में बड़ी मुश्किल से खाती थी। तो मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता था। मैं मतलब बहुत सारी चर्च में गई, ब्लॉक माजरी, रोपड़। मैं घर से हिमाचल से आती थी हर संडे, पर मेरे को कहीं भी छुटकारा नहीं हुआ। बड़े विश्वास से आई हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है, बट ये अंधकार की शक्ति है। अंधकार तेरी शक्तियों को तोड़ता हूं मसीह यीशु के नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड। छोड़ो इसको, छोड़ो, सिर्फ इसके पीछे खड़े रहो मसीह यीशु के नाम में। अंधकार, इस बच्ची को छोड़। चल चल चल, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरे सारे अधिकार को मसीह यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। मसीह यीशु के नाम में अंधकार, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। तेरे अधिकार सारे नाश हो चुके हैं। मसीह यीशु ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। तेरी शक्तियां praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise the Lord, touch Lord. मसीह यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू फादर। कैसा लग रहा है? माइक तो नहीं, रुको, माइक माइक
अभी अभी तुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर फुल भर गया है, बस मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक हो गया। आमीन। फिर मैं यहाँ ऑफिस में काम करती थी, भाई यहाँ पे सिस्टर है टीम की, उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ पे आई, मैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो उसी दिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपोस्टल जी का और परमेश्वर का जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। सुनिए, एक भी रोटी आप नहीं खा पाते थे? एक रोटी अपोस्टल जी बड़ी मुश्किल से खाती थी। अभी कितनी खाते हैं? अब 5-6 रोटी आराम से खा जाती हूँ। बॉडी से लगता नहीं कि 5 रोटी आप खाते हैं। अपोस्टल जी अब भी खाने लगी हूँ, जो 2 महीने से इस चर्च से जुड़ी हुई हूँ तब से खाने लगी। 2 महीने से 5 रोटी खाती है ये। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज आपको मालूम है आपने गवाही देकर क्या किया? गवाही देकर आपने उस दुष्ट आत्मा के मुंह तोड़ चपेट मार दी है। आमीन। और वो दुष्ट आत्मा मैं देख रहा हूँ इस समय रो रही है। और वो हमेशा सोचती थी दोबारा मुझे ये घर मिल जाए। अपोस्टल जी मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं गवाही देने जाऊं, पर मुझे डर लगता था कि मैं आगे कैसे जाऊं, मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं आगे जाऊंगी तो पता नहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन आज मुझे यहाँ पे खड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही हूँ हर तरफ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अभी आपको लाइफ में कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पोस्टल जी। मैं इतनी दुखी थी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पत्नी कहाँ कहाँ लेके गए, इस दुष्ट आत्मा ने मेरा घर भी उजाड़ दिया। मैं सिर्फ 3 महीने अपने ससुराल में रही हूँ, तो 3 महीने के बाद अपने मायके में रह रही हूँ। फिर मैंने यूट्यूब में यीशु के बारे मतलब मसीह यीशु के बारे में देखा। फिर मैं रोपड़ चट में अकेले आई, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं था, जो मेरे घर वाले थे बहुत विरोध करते थे। कहीं भी मेरे को छुटकारा नहीं हुआ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई और अब प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया और आपने दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। और ध्यान से सुनना जी, अगर आप चाहते दुष्ट आत्मा दोबारा कभी ना आए, ध्यान से सुनना, क्योंकि मत्ती 12वां अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा है, दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है जी। और जब नहीं मिलता तो फिर से वो मोना की ओर मुड़ेगी। नहीं मुड़ेगी, अब मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। ध्यान से सुनना, वो मुड़ती है, बाइबल कहती है मुड़ेंगी, वो मुड़ेंगी, लेकिन जब वो देखेंगी मोना के अंदर यीशु मसीह है, नंबर 2 जब वो देखेंगी मोना उसी चर्च में है जहां से आजादी पाई है, तो वो कभी नहीं आएगी।